हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्रेट फॉर लाइफ। हियर आई एम उर्मिला। वंस अगेन आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ वेरी डिलीशियस करी विच इज नोन एज पॉइंटेड गर्ड, एंड हिंदी में उसे आलू परवल की सब्जी कहते हैं, एंड वेस्ट बंगाल में पटल रसा नोन एज पटल रसा, जो कि बहुत यमी डिश है, जो कि उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल की शादियों में बनाते हैं। तो मैं ये न्यू रेसिपी आपके सामने लेके आई हूँ एंड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली यू लाइक इट एंड लव इट। सो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये है परवल, देखिए इसको मैंने इसे 4 पीस में ऐसे बस स्लिट कर दिया है, और ये मैंने 2 बड़े साइज के पोटैटो लिए हैं जो कि ऐसे क्यूब्स में मैंने काट लिया है, और 8-10 परवल लिया है, सारे को मैंने ऐसे काट लिया है। और इसके लिए कुछ मैंने बेसिक मसाले बनाए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसके लिए बहुत सारा काजू पड़ता है और थोड़ा सा खड़ा मसाला मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। इसमें मैंने बस बे लीफ और लौंग, इलायची, दालचीनी, रसीनी लिया है, 2 टमाटो लिए हैं, 1 बिग साइज का अनियन लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और थोड़े से गार्लिक के क्लोव लिए हैं, और थोड़ा सा जीरा। एक मैं क्या करूँगी, इस सारे मसालों का एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो मैं पेस्ट तैयार करती हूँ। ये देखिए सारे मसालों का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैं गैस को ऑन कर जा रही हूँ। मैंने इसमें ऑयल रख दिया है, एक्चुअली ये थोड़ा सा स्पेशल रेसिपी है, तो इसके लिए ऑयल को बिल्कुल अच्छे से हीट करना होता है, और ये पोटैटो और परवल को बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करना होता है। आप सेलो फ्राई करके भी बना सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा स्पेशल बना रही हूँ, और आपको भी अगर स्पेशल बनाना हो तो बिल्कुल उसे डीप फ्राई करें। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। वेस्ट बंगाल की शादियों में ये बहुत बनता है, और स्पेशली वहाँ बनता है, उड़ीसा में भी बनता है, तो मैं वहाँ का रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आए। तो ये ऑयल गरम हो गया है, पहले इसमें मैं ये पोटैटो डाल के डीप फ्राई करूंगी। काजू पड़ता ही पड़ता है इस रेसिपी में, आप पपी सीड्स भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने अभी पपी सीड यूज नहीं किया है। और परवल आप छोटा साइज का ही लें, ये देसी परवल है, इसलिए मैं ये परवल यूज कर रही हूँ। बड़े साइज का परवल एक्चुअली अच्छा नहीं लगता है, तो ये देसी परवल है, तो इसलिए मैंने ये वाला यूज किया है। देखिए अब मैं इसको निकाल लूंगी, 3 मिनट हो गए हैं, इतना ही बहुत है। फिर मसालों के साथ ग्रेवी में थोड़ा सा और अच्छे से कुक होता है। मैं इस परवल को पूरा फ्राई कर लूंगी इस ऑयल में। भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको ऐसे ही बिल्कुल साबुत रखा हुआ है, इससे इसका लुक अच्छा आता है, बस बीच में स्लिट किया हुआ है। मैंने स्लिट इसलिए किया है कि ताकि अंदर तक सारे ग्रेवी और मसाले अच्छे से अब्सॉर्ब हो पाए। परवल कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और पोटैटो भी बहुत अच्छे से रेड फ्राई हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप करने जा रही हूँ। मैंने उसी पैन में ऑयल हीट कर लिया है। अब मैं पहले थोड़ा सा जीरा यूज करूंगी, और गैस का तेज कर दूंगी कम, और ये जो मैंने थोड़े से खड़े मसाले रखे हैं, तेज पत्ता, एक दालचीनी और एक इलायची मैंने डाला है, और ये थोड़ा सा
ज्यादा ऑयली है इसलिए मैं थोड़ा सा वन यूज कर रही हूँ। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, जो मैंने काजू का पेस्ट, अनियन, टोमेटो और गार्लिक और जिंजर की सारा पेस्ट बनाया था बस मैं उसको डाल। पहले मैं इनमें टमाटो ऐड कर दिया, तो मैं थोड़ा सा पहले सॉल्ट डालूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच डालूंगी, इससे कलर अच्छा आता है, थोड़ा सा तीखा तो होता ही है। और इसके साथ मैं धनिया पाउडर 2 टीस्पून डालूंगी, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून डालूंगी, बस अभी और कुछ नहीं डालूंगी इसमें। मैं गरम मसाला मैं ऊपर से यूज करूंगी और इसको अच्छे से चला दूंगी जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसमें मैं बस 1 टमाटो की ऊपर से ऐड करके डालूंगी, इससे थोड़ा सा लुक भी अच्छा आता है, थोड़ी सी ग्रेवी भी थिक हो जाती है। फिर मैं 2 टमाटो ऊपर से डालूंगी, ज़्यादा छोटे से पीसेस नहीं करना, बस एक एक से रखना। लिया है और आप देख सकते हैं साइड में इसने ऑयल भी रिलीज कर दिया है। तो इस स्टेज पे मैंने जो आलू और परवल फ्राई करके रखा था मैं ऐड कर लूंगी। ये मैंने ऐड कर लिया और फ्लेम को थोड़ा हाई पे कर रखूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और 1-2 मिनट तक स्टीर करूंगी। थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए इसका लुक और कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं स्टेज पे थोड़ा सा वाटर यूज करूंगी, बस 1/2 कप ऑफ वाटर है। अब मैं इसको मैं इस टाइम यूज करूंगी कि लास्ट में बारबेक्यू के साथ यूज करूंगी। अब ये 4-5 मिनट इस ग्रेवी में अच्छे से कुक हो जाएगा, फिर मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। इसको कवर कर दूंगी। देखिए ये 2-3 मिनट पक गया है, अब इसका सारा ग्रेवी अब्सॉर्ब हो गया है देखिए, और कलर भी कितना प्यारा आ गया है। इसका एक स्पेशल चीज है कि वेस्ट बंगाल और ओडिशा के लोग थोड़ा सा इसमें शुगर ऐड करते हैं। टेस्ट को एनहांस करने के लिए तो मैं बस देखिए 1 पिंच ऑफ शुगर ऐड करूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसका एक स्पेशल रेसिपी है, थोड़ा सा आप क्रीम या मलाई इसमें यूज करते हैं ये बहुत कंपलसरी है, इसको यूज करना जरूरी है। तो मैं घर की बनी हुई मलाई थोड़ी सी यूज कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून, और इसको ऐसे मिक्स कर दूंगी। ये इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट है, आपके पास अगर मलाई अवेलेबल हो तो मलाई भी यूज कर सकते हैं। और स्टेज पे मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डालूंगी। गरम मसाला हमेशा ऊपर से ही डालना चाहिए ताकि ये टेस्ट को सही रखे। पहले डाल देते हैं तो मसाले जल जाते हैं, इसलिए गरम मसाला हमेशा ऊपर से डालना चाहिए। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ।
देखिए मैंने सब्जी को बोल में ट्रांसफर कर लिया, अब मैं बस इसे गार्निशिंग करूंगी थोड़े से कोरिएंडर लीव से। एंड आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर एंड कितना अच्छा लुक आ रहा है सब्जी का, और टेस्ट में भी अमेजिंग है। तो आप प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार जरूर ट्राई करें, जरूर आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज ये मेरा बहुत फेवरेट रेसिपी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड आई विल बी बैक विद अ न्यू रेसिपी एंड न्यू वीडियो। थैंक यू।